एक गांव में आम बेचने वाला एक आदमी रहता था। उसका नाम गोकुल था। उसके आम इतने मीठे थे कि सारे गांव वाले उसके आम बहुत पसंद करते थे, और उसका आम अगर किसी को मिल जाता था तो बिना खरीदे उसे छोड़ते नहीं थे। अरे ताजा ताजा आम ले लो, 20 रुपए किलो है। अरे भौजी तो का चाही का आम, अरे केवल 20 रुपया किलो बा, लैला बहुत ताजा आम बा। अरे जी आप सुन रहे हैं, केवल 20 रुपए किलो आम है, वो भी बहुत मस्त है, ताजा ताजा, क्या कहते हैं ले लें क्या? अरे ले लो, आम का मौसम चल रहा है, ले लो और खा लो, हमें क्या पूछ रही हो। अरे भैया ऐसा करिए, 1 किलो तौल दीजिए। जी भाभी तोलता हूँ। अब जैसे ही गोकुल यह सुनता है, अब वह तुरंत भूत के रूप में आकर बोलता है। अरे हाँ हाँ तौला थई, अरे ताई 1 किलो आम चाहिए ना, हाँ बिल्कुल दे भाई। अब जब वो सब इतना देखते हैं तो उनकी आंखें इधर उधर नाचने लगती हैं, और तभी वह गोकुल उनको मारकर खा लेता है। और अगले दिन दूसरे घर में भी जाकर यही वह करता है, आम बेचने के बहाने से दूसरों को मारता है। ऐसे ही समय बीतता गया और गांव के काफ़ी लोग मर चुके थे, लेकिन अब तो आम का मौसम चला गया था, इसलिए उस भूत को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से रूप बदल कर जाया जाए ताकि लोगों को मार दूँ। अब उसको कुछ नहीं सूझा, वह सीधा सेब बेचने का काम करने लगता है, और वह एक दिन सुबह सुबह सेब को टोकरी में भरकर गांव के लिए चल देता है, और जो भी पहला घर मिलता है उस घर में जाकर बोलता है। अरे तुम्हारे गांव में सेब वाला आया है, मीठे मीठे सेब ले जाओ, एकदम मीठे मीठे सेब हैं। अब लोग सुनकर उसके पास आते हैं और बोलते हैं, अरे भैया कितने का सेब लगाया? अरे साहब केवल 240 रुपए किलो है ये सेब। अरे आपको चाहिए तो ले जा, बस 240 का रहा तो हम 200 तहा का लगाए दे भाई, अब ऐसे ही कम ना हो पाए साहब। अरे हाँ हाँ दे दो, 200 रुपए क्या है, ऐसा करो 2 किलो तोल दो। अब जैसे ही गोकुल 2 किलो सुनता है, अब वह तुरंत भूत बनकर बोलता है। अरे हाँ हाँ तौला था ही 2 किलो, अरे बिल्कुल तौला, लेकिन पहले उससे तहका मारब और तहार खून चूसब, अरे हमका बड़ा मजा आवत है खून चूसबे में। अब इसी प्रकार से उसको भी मार देता है। अब कुछ दिन वह सेब बेचकर लोगों को मारता था। एक दिन वह रास्ते से गुजर रहा था, एक घर में कथा और हवन हो रहा था, तो सोचा क्यों ना प्रसाद ही खा लिया जाए। वह भूल गया था कि वह भूत है, इतना सोचकर वह आगे बढ़ता है। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ के लोग उसको ज़बरदस्ती बुलाकर बैठा लेते हैं, और वह भी बैठ जाता है और हवन होने लगता है। जैसे ही मंत्र बोलते पंडित, तो उसको ज्वलन सा होने लगता है और वह चीखने लगता है, और लोग सोचते हैं कि यह क्यों चीख रहा है। फिर वह अचानक भूत बन जाता है और सभी लोग आश्चर्यचकित होकर पंडित के पीछे आ जाते हैं। ये मुझे हो क्या रहा है, बहुत दर्द हो रहा है हमको, अरे मुझे बचाओ, मुझे हो क्या रहा है ये, अरे पंडित जी आप तो मदद करिए। अरे हाँ हाँ तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रहे हो पहले इसको तो बताओ। अरे पंडित जी बात ऐसी थी ना कि लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, अरे जब मैं फल वगैरह बेचता था ना तो लोग बोलते थे कि तू महंगा बेच रहा है, और मुझे ऐसे ही खोजते रहते थे। और एक दिन तो ऐसा आया कि मैंने थोड़ी सी गलती क्या कर दी, लोग लाठी उठाकर मुझ पे मारने लगे और इतना मारे। केड़ा नामक गांव में एक गेंदा नामक भूत रहता था। वह भूत बहुत मस्ती में रहता था, खाना खाकर बस गाते हुए पड़ा रहता था। जब दिल करे खाना खाऊं ऐसे ही दिन भर सोता रहूं। जो मजा भूत बनने में है वो आदमी बनकर कहाँ है? अरे जो खाना भूत बनकर मिल जाता है वो आदमी बन के नहीं मिलता। वाह रे जिंदगी, क्या जिंदगी है, बहुत मजा आ रहा है मांस खा के। अरे दुकान वाले मांस तो बहुत बढ़िया है, ऐसे ही मिलता रहे और जीवन बीतता रहे। और किस चीज का क्या गम। गेंदा ऐसे ही दुकान वाली मांस को चुरा कर खाता रहता था और उसको खूब मजा आता था।
ऐसे ही दिन बीतता गया और गेंदा को खूब मजा आता था। एक दिन सारी दुकानें बंद थीं और गेंदा वहां से लौट कर आ रहा था, लेकिन उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी और जैसे ही वह गांव के पास गुजरता है उसको मुर्गियां दिखाई देती है। गेंदा मुर्गियां को देखकर सोचता है, भूख तो लगी है बहुत तेजी से, लेकिन करूं क्या, मांस तो कहीं मिल नहीं रहा है। अरे क्यों ना मुर्गी ही खाया जाए, मालूम चलता है कि यह बहुत स्वादिष्ट होती है। अरे आओ देखो तो, एक बार खा कर तो देखूं। तब वह मुर्गियों को उठाकर खाने लगता है। वाह क्या टेस्ट है, अरे मजा आ गया, मांस हो तो ऐसा, वाह एकदम ताजा मुर्गी खाकर बहुत मजा आ गया। मन कर रहा है थोड़ा सा गाना गा दूं, लेकिन अब गाना तो नहीं गा सकता, पेट तो बहुत भर गया है, जाकर आराम ही कर लूं। अब तो केवल यही चाहिए, यही हमारी मांग है, बस यही चाहिए, यही चाहिए। गेंदा ताजा मुर्गा खाके मस्ती में झूमते हुए चला जाता है और तब से जब उसे भूख लगता तुरंत यहाँ पर आ जाता और ताजे ताजे मुर्गे खाकर चला जाता। अरे ये भी क्या टेस्ट है, जो स्वाद ताजे मुर्गे में है वह दुकान के मांस में नहीं है। ऐसे ही दिन बीतता गया और वह मुर्गा खाकर चैन की नींद से झूमता रहता था, लेकिन मुर्गे के मालिक परेशान हो रहा था कि चोरी कौन किया है। अरे भगवान, मुर्गे को कौन चुरा रहा है, पता नहीं चल रहा है। हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, पता नहीं कौन मुर्गा चुरा रहा है, चोर का पता नहीं लग रहा है। चलिए आज रात और दिन में हम लोग छुप कर चोर का पता लगाते हैं। तब गुलब्बो और उसकी पत्नी घर के अंदर छुप कर देख रहे थे और तभी वहाँ केला भूत आ जाता है और वह सारे मुर्गों को एक एक करके खा रहा होता है। हा हा हा, क्या मजा आ रहा है रे, वाह रे स्वादिष्ट मुर्गे, वाह रे वाह, ऐसे ही तू आता जा मैं तुझको खाता जाऊं, बड़ा मजा आ रहा है खाने में। और ये सब देखकर गुलब्बो का हवा खिसक गया कि यह तो भूत हमारे मुर्गे को खा रहा है। वह थर थर कांपने लगा और उसकी औरत यह सब देखकर सोचती है, अब क्या करूं, मेरे पति तो अब कांपने लगे, अब मुझको ही कुछ ना कुछ तो करना होगा। अरे अरे ये तो भूत है, लगता है हम लोग को इस घर को छोड़कर जाना होगा। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, हम अपने घर को छोड़कर इस प्रकार नहीं जा सकते हैं। अगर हम अपने घर को इस प्रकार छोड़ेंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ, तुम बताओ भले। तब गुलब्बो की पत्नी को एक सुझाव सूझता है और वह अगले दिन का इंतजार करती है। और अगले दिन जैसे ही होता है गेंदा वहाँ मुर्गा खाने आ जाता है। तब गुलब्बो की पत्नी घर के अंदर से छुप कर बोलती है, ए भूत तू कौन है, यहाँ क्या करने आया है, जानता नहीं क्या, मैं इस घर की देवी हूँ और मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं चाहूँ तो तुमको अभी अभी खत्म कर सकती हूँ और तुमको बंदी बनाकर अपना गुलाम बना सकती हूँ, इसलिए तुम अगर मेरा कहना मानोगे तो मैं तुमको आजाद कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुमको आजाद नहीं करने वाली हूँ क्योंकि तुमने मेरा पूरी मुर्गी खा लिया है। अब मैं तुमको इन मुर्गियों की गंदगी साफ कराऊंगा और तुमको नौकर बनाकर रखूंगी। जब गेंदा ये सब सुनता है तो सही में वो डर जाता है और बोलता है, अरे देवी मुझे माफ कर दो, हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो, हाँ मैंने गलती की है मुर्गी खाकर, लेकिन मैं अभी माफी मांग रहा हूँ, कृपया करके मुझे माफ कर दो, अब इस घर में दोबारा नहीं आऊंगा। अरे नहीं नहीं मैं तुझे माफ नहीं कर सकती, तुमने मेरी सारी मुर्गियाँ खाई है, मेरा परिश्रम तूने माटी में मिलाया है, ये तुच्छ, तुझे तो मैं नौकर बनाकर ही रहूंगी और ये मुर्गियों की पूरा कचरा साफ करवाऊंगी और जो मेरा मन करेगा वो तुझसे करवाऊंगी, तुझको तो मैं छोड़ नहीं सकती ऐसे। ऐसा मत करो, जो तुम कहो मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, जो तुम कहोगे वो मैं सब करूँगा, लेकिन एक बार बस मुझे छोड़ दो। ठीक है ज्यादा रो मत, सोचती हूँ तुझको क्या करना है,
उससे पहले तू मेरा कुछ बातें सुन। सबसे पहले तू मेरे घर को आलीशान महल में बदल दे और कुछ सोने के सिक्के भी ला। तू जानता है ना मैं तुझसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अगर कोई भी चालाकी की तो मैं तुझको छोड़ूंगी नहीं, और वैसे भी मैं तुमको गुलाम भी बनाऊंगी। ए ऐसा मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना जो तुम कहोगी वो मैं करूँगा, बस मुझको गुलाम मत बनाओ। तुम कहोगी तो मैं मांस ही खाना छोड़ दूंगा, यहाँ तक मैं शाकाहारी बन जाऊंगा, किसी को भी तंग नहीं करूंगा, बस एक बार तुम मुझको छोड़ दो। इतना कहते ही गेंदा देवी की सारे मांगों को पूरा करता है और शाकाहारी बनने का प्रण लेता है और वह अपने जगह खुशी खुशी चला जाता है और तब से वह साग सब्जियां ही खाने लगता है। शिक्षा, कठिन से कठिन परिश्रम में हम अगर सूझबूझ से काम लेते हैं तो ताकतवर को भी